जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो नंबर 4 है ये, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। और अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस DSSSB नेट JRF, सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, काल क्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिकों के निम्न क्रमों से सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो है बी, पाइथागोरस, उसके बाद सुकरात, प्लेटो, सेंट अगस्तीन। राइट आंसर बी। तो पाइथागोरस का जो समय है वो 570 से लेकर 496 ईसा पूर्व, सुकरात का जो समय है 469 से लेकर 399 ईसा पूर्व, प्लेटो का जो समय है 428 से लेकर 347 ईसा पूर्व, और सेंट अगस्तीन का जो समय है 13 नवंबर 354 से लेकर 28 अगस्त 430 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 89, अभिकथन ए, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबद्ध है। तो यह सही है। तर्क आर, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना है। तो यह भी सही है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। किसी आकृति के मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंगात्मक प्रक्रिया को भाव कहते हैं, और भावों का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? रस से होता है। काव्य शास्त्र में हमें नौ रस का वर्णन मिलता है, नौ रसों का वर्णन मिलता है। यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबद्ध है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के लिए प्रयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? तो यह किसके द्वारा रचित है? जॉन रस्किन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। जॉन रस्किन का जो जन्म है 8 फरवरी 1819 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। यह प्रमुख कला समीक्षक और दार्शनिक तथा मॉडर्न पेंटर्स जॉन रस्किन की पुस्तक है। देखिए, यह कला समीक्षक और दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, इनकी यह पुस्तक है मॉडर्न पेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 91, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? तो यह किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। कहां के दार्शनिक? यूनान के। इनका जो जन्म है 470 से, इनका जो समय है 470 से 469 ईसा पूर्व के बीच है, और ये इनका जन्म जो है एथेंस में हुआ था। इनका जन्म जो है 470 से 469 के करीब में माना जाता, 69 या 70 के करीब में एथेंस में इनका जन्म हुआ था, और ये यूनान के दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 92, अभिकथन ए, प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग ही कला है। यह सही है। तर्क आर, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला में जीवन संभव नहीं है। यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। अभिकथन यह कि प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग ही कला है। इस संदर्भ में दिया गया तर्क यह है कि क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला में जीवन संभव नहीं है। यह दोनों वाक्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की? किसकी
रचना इन्होंने की है, विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्रिसेल्डा पुलोक का जो जन्म है 11 मार्च 1949 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा जो है कनाडा, अमेरिका तथा यूरोप में ली थी। इनकी कला की जो पुस्तक है विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ मॉडर्न आर्ट, इनकी पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 94, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रीड। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर ये बी हो जाएगा। मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक अंग्रेज लेखक सर हर्बर्ट रीड द्वारा 1966 में लिखी गई, 1966 में। ब्रिटिश कला समीक्षक रोजर एलियट फ्राई की प्रमुख पुस्तक कौन है? विजन एंड डिजाइन 1920 में इन्होंने लिखी। ट्रांसफॉर्मेशन 1926 में लिखी, ये रोजर फ्राई की पुस्तक है। स्टेला क्रेमरिस एक अग्रणी कला इतिहासकार और क्यूरेटर थी। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है द हिंदू टेंपल और एक दूसरी है इंडियन स्कल्पचर, ये स्टेला क्रेमरिस की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 95, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे, तो कौन थे ये? क्रोचे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेडेतो क्रोचे मूलतः जो है आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्म की अंतःसत्ता स्थापित करना था। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादम्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की उपेक्षा की ओर, हीगल ने कांट की मान्यता स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को भी महत्व प्रदान किया। इसके विपरीत क्रोचे के केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया। उनकी दृष्टि में बाह्य उपकरण गौण साधन मात्र है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला की मूल तत्व की खोज का प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 96, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? ये किसने कहा है? तो ये क्लाइव वेल ने कहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्थर क्लाइव वेल हेवार्ड बेल जो है ये 16 सितंबर 1881 से लेके 18 सितंबर 1964 तक इनका समय है, एक ब्रिटिश कला समीक्षक थे। इन्होंने ही कला एक महत्वपूर्ण विधा है इन्होंने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 97, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट। राइट आंसर बी हो जाएगा। इमैनुअल कांट 22 अप्रैल 1724 से लेकर 12 फरवरी 1804 इनका जो समय है, जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत जो है कांट, लाप्लास परिकल्पना, हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। उक्त परिकल्पना के अनुसार संतप्त वाष्पराशि नेबुला से सौर मंडल उत्पन्न हुआ। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें इस प्रकार हैं: क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में इन्होंने लिखी, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 में लिखी, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में, और द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स 1727 में इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 98, अभिकथन ए, प्लेटो ने कहा था कला अनुकरण है, तो ये
सही है। कारण आर, प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह जगत में स्थिर रूपाकार की नकल है, तो यह भी सही है। राइट आंसर हमारा जो है वो है डी, ए आर दोनों सही है। प्लेटो ने कहा था कला अनुकरण है, प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह जगत में स्थिर रूपाकार की नकल है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो इसके लेखक जो है आर जी कॉलिंगवुड है, राइट आंसर डी हो जाएगा। रॉबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड इनका पूरा नाम है। 22 फरवरी 1889 से 9 जनवरी 1943 तक इनका समय है। ब्रिटेन के दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। इन्हों ये दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई हैं, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 में लिखी, एन एसे ऑफ मेटाफिजिक्स 1940 में लिखी है, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 में इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 100, अभिकथन ए, हीगेलियन त्रयी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है, तो यह सही है। तर्क आर, क्योंकि हीगेलियन का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है, तो यह भी सही है। राइट आंसर हमारा जो है यहां पे बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। हीगेलियन त्रयी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है, क्योंकि हीगेल का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है, अतः अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 101, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को तर्क आर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है, तो यह गलत है। तर्क आर, कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवी प्रतिमान पर आधारित होती है, यह सही है। तो यहां पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है, यह अभिकथन सही नहीं है, जबकि दिया गया तर्क यह है कि कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवी प्रतिमान पर आधारित होती है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के जो लेखक हैं आर जी कॉलिंगवुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। आर जी कॉलिंगवुड 22 फरवरी 1889 से लेकर 9 जनवरी 1943 इनका समय है। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। ये इनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इस प्रकार हैं, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, एन एसे ऑफ मेटाफिजिक्स, द आइडिया ऑफ नेचर, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एन एसे ऑफ फिलोसफिकल मेथड और रिलीजन एंड फिलॉसफी इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो यहां पर जो है जॉन रस्किन जो है मॉडर्न पेंटर्स, जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉलस्टॉय जो है ये व्हाट इज आर्ट,
इनके द्वारा लिखा गया व्हाट इज आर्ट, और आरजी कॉलिंगवुड जो है इनके द्वारा प्रिंसिपल आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। हर्बर्ट रीड इनके द्वारा आर्ट एंड इंडस्ट्री लिखा गया। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉलस्टॉय व्हाट इज आर्ट, आरजी कॉलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड जो है आर्ट एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 104, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? तो मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। राइट आंसर डी है यहां पे। प्लेटो के अनुसार कला सत्य का अनुकरण है। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द जो है वो है मिमेसिस। क्वेश्चन नंबर 105, अभिकथन ए, प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की है, तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथोरिसिस का माध्यम है, ये भी सही है। राइट आंसर यहां पे ए है, ए सही है। और आर दोस्तों यहां पे जो तर्क आर दिया है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो यहां पे तर्क आर जो सही नहीं है। प्लेटो का जन्म जो है एथेंस यूनान में हुआ था, 428-427 के करीब में, 424-423 ईसा पूर्व, 427 भी एक समय है उनका, और मृत्यु जो हुई थी 348-347 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है, प्लेटो को। वह सुकरात के शिष्य थे, प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। दार्शनिकों की इस त्रयी ने ही पश्चिमी सांस्कृतिक व दार्शनिक आधार, पश्चिमी संस्कृत का दार्शनिक आधार तैयार किया। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही प्राप्त है। प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉ, इओन, सिंपोजियम आदि प्रमुख हैं। प्लेटो कला को ही उसी सीमा तक स्वीकार करता है जहां तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य, सदाचार, नैतिकता, ईमानदारी व अनुशासन को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। प्लेटो ने गणतंत्र में स्वतंत्र रूप से तो कला की निंदा ही की है, किंतु इस कारण नहीं की है कि कलाएं विरेचन या कैथारसिस का माध्यम है। अतः अभिकथन ए सही है और तर्कार गलत है। क्वेश्चन नंबर 106, दार्शनिकों के सही काल कालानुक्रम का चयन करें। तो यहां पे सबसे पहले सुकरात, अरस्तु, प्लोटिनस, सात्र, यहां पे राइट आंसर सी है। सुकरात का जो समय है 470-399 ईसा पूर्व, अरस्तु का जो समय 384-322 ईसा पूर्व, और प्लोटिनस का जो समय है 204-270 ईस्वी, सात्र का जो समय है 1905-1980 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहां पर जो क्रोचे है, सहज ज्ञान सिद्धांत इन्होंने दिया है, अरस्तु जो है अनुकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है, टॉलस्टॉय जो है संप्रेषण का सिद्धांत इन्होंने दिया है, फ्रायड जो है स्वप्न का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो इस तरह से हमारा राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो है वो बी है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा।
क्रोचे, सहज ज्ञान सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण का सिद्धांत, टॉलस्टॉय संप्रेषण का सिद्धांत और फ्रायड जो है स्वप्न का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 108, द पुस्तक द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट जो पुस्तक के लेखक वो है हर्बर्ट रीड। राइट आंसर सी हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक विषय पुस्तक जो है सर हर्बर्ट रीड द्वारा 1931 में लिखी गई थी। लिबिडो थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 109, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक कामुकता, व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110, अभिकथन ए, कलाकार को कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे। तो यह सही है। तर्क आर, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो यह गलत है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए सही और आर गलत है। दिया गया अभिकथन, कलाकार को कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे, सत्य है। क्योंकि यदि किसी चित्र डिजाइन के मौलिक गुणों में बदलाव किया जाता है तो वह इस प्रकार किया जाता है कि उसका नैसर्गिक सौंदर्य में कोई परिवर्तन ना हो, अन्यथा उस विषय वस्तु का मूल भाव विद्रूपित हो जाता है। नैसर्गिक निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन तथा श्रेष्ठ हो जाता है। अतः दिया गया तर्क असत्य है। क्वेश्चन नंबर 111, अभिकथन ए, कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शन की अनुभूति के बीच की कड़ी है। तो यह सही है। तर्क आर, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। ये भी सही है। तो राइट आंसर जो है बी है, ए आर दोनों सही है। कला चित्रकार की अनुभूति और दर्शन की अनुभूति के बीच की कड़ी है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावनात्मक पक्ष है। मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है, किंतु यह हमारी दैनिक अभिव्यक्ति से भिन्न है। दैनिक जीवन में हम किसी निश्चित प्रयोजन से सहज रूप से जो कुछ शारीरिक चेष्टाएं अथवा वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं वह साधारण अभिव्यक्ति है, कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं। कलात्मक अभिव्यक्ति हेतु व्यंजना के माध्यम का कलापूर्ण प्रयोग अनिवार्य होता है। अतः दिया गया कथन और तर्क दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 112, कथन ए, चार्ल्स रीड कला सत्य की अनुकृति है। चार्ल्स रीड कहते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है। तो यह गलत है। कथन बी क्या, सिगमंड फ्रायड द्वारा इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया। तो यह सही है। तो यहां पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ए गलत पर कथन बी सही है। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत जो है दिया गया सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड का जो जन्म है 1856 ईस्वी में हुआ। फ्रायड आधुनिक युग के महान मनोचिकित्सक थे। ये पहले वैज्ञानिक थे। व्यक्ति को कुंठा से बचना चाहिए, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। कला सत्य की अनुकृति कथन है प्लेटो का। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा का उभार माना है। यह कथन किसका है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 113, और जी कॉलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे? और जी कॉलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये जो थे ब्रिटिश दार्शनिक थे और
कला इतिहासकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा सी होगा, 2 और 3 सही है। और जी कॉलिंगवुड 22 फरवरी 1889 से लेकर के 9 जनवरी 1943 तक इनका समय, ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। इनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 114, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों को काल क्रमानुसार चुनिए। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, अरस्तु, सेंट अगस्टीन, क्रोचे, क्लाइवेल, राइट आंसर डी हो जाएगा। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का काल क्रमानुसार सही क्रम इस प्रकार होगा, अरस्तु, सेंट अगस्टीन, क्रोचे और क्लाइवेल। क्वेश्चन नंबर 115, अभिकथन ए, भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह सही है, नौवें रस की खोज अभिनव गुप्त ने किया था। कारण आर, अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं के परे जाता है तो यह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यह भी सही है। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, ए और आर दोनों सही है। भारतीय रस सिद्धांत में नौवां शांत रस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं के परे जाता है तो यह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 116, अभिकथन ए, प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से 2 बार दूर हैं, यह सही है। कारण आर, क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण है, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है बी, ए सही है तथा आर सही है। प्लेटो के कला संबंधी विवेचन से सौंदर्य शास्त्री चिंतन में अनुकृति सिद्धांत का समावेश हुआ। प्लेटो के अनुसार कला जीवन, जल और प्रकृति का किसी न किसी रूप में अनुकरण है। कला को निम्न कोटि का मानने वाले प्लेटो अनुकरण के 2 पक्ष मानते हैं, पहला जिसका अनुकरण किया जाता है और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। यदि अनुकरण का तत्व मंगलकारी है और अनुकरण पूर्ण एवं उत्तम है तो वह स्वागत योग्य है, परंतु प्रायः अनुकृत्य वस्तु अमंगलकारी होती है तथा कभी कभी मंगलकारी वस्तु का अनुकरण अधूरा और अपूर्ण होता है। ऐसी दशा में कला सत्य से परे और हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 117, आरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। तो यहां पे राइट आंसर जो है ए है, बॉमगार्टन, हीगल, क्रोचे और फ्रायड, राइट आंसर ए हो जाएगा। आरोही क्रम इस प्रकार हुआ, बॉमगार्टन, हीगल, क्रोचे और फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 118, किसने कहा है जहां रस है वहां ही काव्य है, किसने कहा है जहां रस है वहां काव्य है, तो ये महिम भट्ट ने कहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। महिम भट्ट, जहां रस है वहां ही काव्य है, यह कथन महिम भट्ट का है। महिम भट्ट संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं, ये अपने शास्त्र ग्रंथ व्यक्ति विवेचन के कारण प्रसिद्ध हुए। काव्य शास्त्र में ध्वनि के खंडनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 119, सुंदरता भगवान का हस्तलेख है जिसका कथन है, किसका कथन है ये, सुंदरता भगवान का हस्तलेख है ये किसका कथन है, ये
इमर्सन का कथन है। राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा, इमर्सन। सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, यह कथन इमर्सन का है। वे एक अमेरिकन निबंधकार, व्याख्याता, दार्शनिक और कवि थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पारगमनवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।